में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के बाद आर्ट्स वाले बच्चे यानी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद वो कौन कौन से कोर्सेज है, वो कौन कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं और अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इस सिंगल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2024-25 में और आने वाले समय में वो कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, और अगर आपने इन कोर्सेज को कवर कर लिया अपने अपने स्ट्रीम में तो आप 100% जॉब पाएंगे और अपने अपने कैरियर में ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने कैरियर को अंतिम ऊंचाइयों तक ले जाए जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको सिंगल वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके हर स्ट्रीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हर स्ट्रीम यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चे 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कैरियर के स्कोप है, कैरियर टिप्स आपको मिलने वाली है। तो इस चीज को लेकर लाइक तो बनता ही है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। जी हाँ, अगर आपने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से की है और साइंस स्ट्रीम में अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट आपने क्या लिया है, PCMB। जी हाँ, PCMB अगर आपके पास यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी आपके पास है तो आपके पास कौन कौन से कैरियर विकल्प हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज है, वो कौन कौन से डिग्री है जो आप ले सकते हैं और आप अपने सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो है, देखिए यहाँ पर एक एक करके हम सभी क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास जो सबसे बड़ा विकल्प होता है वो होता है BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप MBA भी कर सकते हो और आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाइप वाला कोर्स है, इस समय सबसे डिमांडेड कोर्सेस में से एक माना जा रहा है BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बी फार्मा आप कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद आप MBA और एम फार्मा भी कर सकते हैं। जी हाँ, बी फार्मा कर सकते हैं, MBA और एम फार्मा भी आपके पास विकल्प है। और ऐसे में आप सभी को पता है कि आजकल जिस चीज की डिमांड वह है मेडिकल्स। जी हाँ, मेडिसिन, तो मेडिसिन लाइन में अगर आपको भी जाना चाहता तो बी फार्मा एम फार्मा कर सकता है। BTech इन एग्रीकल्चर, जी हाँ, BTech इन एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। PCMB वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, BTech इन एग्रीकल्चर, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर 2050 तक की बात करें, 2040 तक की बात करें तो इतना ज्यादा स्कोप है जो है BSc इन एग्रीकल्चर में, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इसके बाद BTech इन एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। देन आपके पास और एक विकल्प क्या है, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी भी आप कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोप माना जाता है आफ्टर 12th, राइट, बहुत ही अच्छा स्कोप है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फिर MBA कर सकते हैं। BSc इन एग्रीकल्चर करने के बाद आप MSc इन एग्रीकल्चर हस्बेंड्री डेयरी भी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। तो बहुत डिमांडिंग कोर्सेज हैं 2024-25 में, बहुत ज्यादा डिमांडेड कोर्सेस हैं, यानी क्लास 12th के बाद साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चे जो है जिन्हें PCMB लिया है, तो ये विकल्प आपके पास बहुत ही अच्छे हैं। इन विकल्प में से कोई भी आप विकल्प ले सकते हैं, बशर्ते आप किसी भी एक विकल्प में दाखिला लीजिए और अपना 100% आप सभी को देना है। अगर आप 100% नहीं देंगे तो आप कोई भी कोर्सेस कर लें, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो आप कोई भी इनमें से एक कोर्स चूज कीजिए और उसमें जी जान से लग जाइए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, राइट। ये सारी चीज आपको कवर करनी है। चलिए सेकेंड है, हमारे सेकेंड ऑप्शन है 12th साइंस स्ट्रीम में वो जिन्होंने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ली, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है वो भी हम यहाँ पर आप सभी को क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर 12th इन साइंस स्ट्रीम में है और PCM आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आप NDA डायरेक्ट NDA ज्वाइन कर सकते हैं। जी, NDA का फॉर्म फिल कर सकते हैं, NDA का पेपर दे सकते हैं, ठीक है, NDA कर सकते हैं। आर्मी नेवी, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री आपको मिलेगी यहाँ से, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है NDA करने के बाद। उसके बाद BA आर्किटेक्ट आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, BA आर्किटेक्ट आप कर सकते हैं, BSc इन आर्किटेक्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आज के जमाने में वर्तमान जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट है और यहाँ इसको बहुत अच्छा बनता है, मस्ट करना चाहिए। अगर आपका अगर आपकी फील्ड है और आपका सपना है इंटीरियर डिजाइनर बनने का तो जरूर कीजिएगा। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन बहुत अच्छा है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन की तरफ भी आप जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्सेज है, राइट। उसके बाद टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, आप सीधा टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी में से बहुत सारी पोस्ट होती है जो टेक्निकल होती है, तो वहां पर आप डायरेक्ट जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीटेक भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप। इसके अगर हम बात करें तो मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, जो है मैरिन इंजीनियर बन सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप सकते हैं एमई कर सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एमएससी एमबीए एमटेक डिफेंस डायरेक्ट एंट्री भी आपको मिलेगी नेवी में एयरफोर्स में, एमसीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो पीसीएम वाले छात्रों के सामने सारे विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से किसी एक विकल्प के साथ आप जा सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक टर्म एंड कंडीशन ये कि वही आप कोर्स चूज कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप 100% दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, यानी समझ के आपके पास कितने, अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, हौसलों के साथ आगे बढ़िए, राइट। वो सारी चीजें आपको करनी है। कहते ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये चीजें आपको फोकस करके चलनी है और डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे। बट आपका डेडिकेशन 100% होना चाहिए किसी भी चीज करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ट्वेल्थ इन आर्ट स्ट्रीम, वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज से ट्वेल्थ करते हैं उनके पास विकल्प की भरमार है। अगर आप आर्ट से ट्वेल्थ करते, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्ट्स से कर रहा है क्या करेगा, है ना, आर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, कॉमर्स कर लो, आर्ट्स साइंस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम में हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, हर स्ट्रीम में इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे विकल्प हैं कि आप करते करते थक जाएंगे। और जो कोई ऐसा बोलता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में क्या रखा हुआ है उसको मत लीजिए, तो आप सभी ये सारे ऑप्शन उनको दिखाइएगा, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। तो समाज से बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, समाज तो भी उनका काम बोलना है, एक्चुअल में बोलने का काम बोलते रहना चाहिए, आप अपने आप को अपने लक्ष्य प्राप्त करते रहना चाहिए आपको और अपने काम के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, बस अपने मेहनत पर आप भरोसा कीजिए। तो अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से क्लास 12 पास किए हैं, ह्यूमैनिटी से किए, तो आपके पास विकल्प है डी एड, जहाँ आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं। डेर बहुत ही हाई कोर्सेज है, 80% बच्चे इसके लिए जो है पसंदीदा है। आप टीचर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं, बीसीडब्ल्यू कर सकते हैं, बीसीडब्ल्यू के बाद एनएसडब्ल्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है समाज सुधार में, सोसाइटी में, सामाजिक चीजों में बहुत ज्यादा विकल्प है, ठीक है। आप एनजीओ अपना खोल सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है एमसीडब्ल्यू बीसीडब्ल्यू के लिए अगर जा रहे हैं आप। LLB आप फाउंडेशन कर सकते हैं, DDL कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, DLL कर सकते हैं, बहुत मस्ट कोर्सेज हैं। LLB फाउंडेशन कोर्स आप जो है कर सकते हैं क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम बच्चे। फैशन इंटीरियर डिजाइन डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपको फैशन में रुचि है, अगर आप फैशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, तो आप फैशन इंटीरियर डिजाइन डिप्लोमा में जा सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है। वर्तमान में आजकल फैशन आप देख ही रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमबीएम कर सकते हैं, फॉरगन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत स्कोप है आजकल इन सभी में। फॉरगन लैंग्वेज में डिप्लोमा दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है, बहुत ही ज्यादा स्कोप है इन सभी चीजों में, ये आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप बीएड कर सकते हैं, पीटी टीचर बन सकते हैं, बीए पीएड जो आपके स्कूल में टीचर होते हैं पीटीआई, आप वो बन सकते हैं, एमए कर सकते हैं, एमए करने बाद आप नेट जेआरएफ, या एमए करने बाद आप क्या कर सकते हैं नेट जेआरएफ कर सकते हैं, एमए करने बाद आप नेट निकाल सकते हैं, नेट जेआरएफ कर सकते हैं, नेट जेआरएफ कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प, प्रोफेसर बन सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, अगर आप बोल चाल में अच्छे, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप अच्छे वक्ता है, तो आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, ये भी आपके पास विकल्प है। बैचलर इन जर्नलिज्म बहुत अच्छा ऑप्शन, वर्तमान में जर्नलिज्म की बहुत ज्यादा डिमांड है, आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में मीडिया क्या कुछ नहीं कर सकती है, तो आप यहाँ जा सकते हैं बैचलर इन जर्नलिज्म।
LLB, LLM, Bachelor in Library Science, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की तरफ जा सकते हैं, MBA कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं, MEd कर सकते हैं, ये सारे विकल्प आपके पास खुले हैं। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में और प्रशासनिक चीजों में, शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा रुचि है, तो आप UPSC के लिए जा सकते हैं, SSC के लिए जा सकते हैं, UPPCS के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए जा सकते हैं, CGL क्रैक कर सकते हैं, राइट, MTS डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये सारे के सारे विकल्प आर्ट्स वालों के लिए खुले हुए हैं। CBSE के लिए जा सकते हैं, NCERT के लिए जा सकते हैं। इतना सारा विकल्प मैं आपको बता दूंगा कि आप देख गिनते गिनते थक जाएंगे और जो पड़ोसी आपको ताना मारते हैं वो देखते देखते रोने लग जाएंगे। तो ये वीडियो जरूर शेयर करना कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते, ये सारा कुछ आर्ट्स वाले कर सकते हैं, बशर्ते मैं फिर वही कहूंगा कि आपके पास जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है और डेडिकेशन है और गोल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है। अगर दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कुछ होते हुए भी। तो अपने आप को डिसाइड कीजिए, गोल चूज कीजिए, फोकस कीजिए और लग जाइए जी जान से, मेहनत कीजिए डेडिकेशन के साथ, राइट। अब बात कर लेते हैं हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जो जिन्होंने कॉमर्स लिया, क्लास 12th में पास आउट हुआ, कॉमर्स लिया, उनके पास क्या क्या विकल्प है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए देखिए, आप CA फाउंडेशन में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है, BCom कर सकते हैं, MBBA कर सकते हैं, CS फाउंडेशन कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BA आर्किटेक्ट कर सकते हैं, DEd कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा MBA भी कर सकते हैं, बैंक PO, DO कर सकते हैं, LLB, LLM कर सकते हैं, CA कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए विकल्प खुले हुए, किसके लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। सब कुछ विकल्प है आपके पास, निराश नहीं होना है, जी जान से लग जाना है और अपने गोल प्राप्त करने तक आप सभी को नहीं रुकना है, राइट। अपने गोल प्राप्त करने तक नहीं रुकना है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, हारे वो है जो मैदान में गए ही नहीं। तो ये चीज आपको करनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और थोड़ा भी इससे आपको लाभ हुआ है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।